एक भी कदे उन्हां दा दोष साबित ही नहीं हो सकिया। फिर उन्हां नूं अतवादी कहना, उन्हां नूं बखवादी कहना, केस या कानून ते मंदा नहीं भी संतां दे उत्ते कोई परचा जिहड़ा उह साबित दोष हो सकिया होवे। ते असीं घर बैठे ही असीं रिजल्ट कढ़ दिंदे हुंदे आ वी संत अतवादी है जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारियो, संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले वीहवीं सदी के ओ महान जरनैल जिन्हां नूं साड़ी दी सारी सिख कौम दिलों सजदा करती है, जो हक सच की आवाज़ बुलंद करदिआं होइआं 84 विच माड़ियां हिंद हकूमतां की भेंट चढ़े। सिंह अपने हकों लई आवाज़ बुलंद करते रहे, सिंह अपने हकों लई लड़ते रहे, ते फिर शहादतां पा गए। पर बहुतात मीडिया अज भी 1984 दे सिंह शहीदां नूं संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवालियां नूं अतवादी कह के प्रचारदा है। पर क्यों ओ अतवादी नहीं सन? आखिर क्यों सरकार बिना मतलब तो उन्हां नूं अतवादी कह के बदनाम करन दीआं कोशिशां करदी है? आखिर क्यों 1984 विच शहीद होए सिंघां ते अतवादी होण दा ठप्पा लाया गया सी, जद संतां दे नाम उत्ते कदे कोई केस दर्ज ही नहीं सी होया? की कह रहे ने भाई मनजिंदर सिंह जी हर रायपुर वाले? मारते एक नजर। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। ओ जोतो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, दुपहर तरीजै सिर दीजै कान ना कीजै, कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरों तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार, कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। गुरु साहब जी की पावन बाणी का एक बचन होर है जी, महाराज कहंदे सूर वीर बचन के बली। सारिआं नूं पहलां तां वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। काफ़ी दिनों बाद समा मिलिआ आप जी दे नाल बेनतियां करन दा, किसी जरूरी काम दे विच रुझे होए सीगे। सो अज दी जिहड़ी मेरी बेनती है जी, उह है संत ग्यानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले महापुरश, जून 1984 दा घल्लूघारा जून है, और कल नूं जिहड़ा दिहाड़ा है उस दिन संतां दी, सिंघां दी, भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी, जरनल सुबेग सिंह जी, बाबा ठारा सिंह जी, इन्हां दिनां दे जो शहीद ने बेअंत सिंह ते सिंघणियां, छोटे शहीद सिंह बच्चे साढ़े, बीबियां भैणां मातावां जो दरबार साहब दर्शन करने इन्हां दिनां दे विच गए होए सी, उह सारे शहीदां नूं कोट कोट प्रणाम। और अज मेन बेनती मैं करदा क्योंकि आए साल ना जी इत्थे का के मुद्दा ये जरूर जन्म लैंदा हुंदा वी असी संतां दी तस्वीर नहीं लगन देनी, असी संतां दी फोटो नहीं लगन देनी, असी संतां दे पोस्टर लावांगे, असी संतां दे पोस्टर पाड़ांगे। पर बेनती आ प्यारिओ, एक विचार है, बाकी है मैनू आस आ तुसी इन्हां विचारां नाल सहमत होवोंगे। एक भी देश दी किसी भी अदालत दे विच संतां दे प्रति कोई केस नहीं निकलिया, एक भी किसी तो साबित नहीं होया भी संत बाबा जरनैल सिंह जी दे खिलाफ किसी अदालत विच भारत देश दे विच कोई केस होवे, किते कोई ऐसी गल होवे जिहदे नाल संत कसूरवार बनदे होण। तुसी समझदार हो सारे, बड़े प्यार नाल तुसी समझोगे, क्योंकि बड़े अज दे दिनां दे विच, इन्हां दिनां दे विच बड़े तरहां दे सवाल आउंदे आ,
कि जून 84 का सच की है जी। जून 84 दे विच होया की सी, जून 84 की असल कहानी की है मैं दसूंगा ते किताब पढ़ के। पर अज केवल इन्नी बेनती है भई महापुरश संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडर आले महापुरखां दे खिलाफ देश दी किसी अदालत विच कोई उन्हां टैमां दा केस नहीं। पिछे जाए मेरे ख्याल संदीप गुप्ता उन्हां दा नाम है वीर जी हुणां दा, उन्होंने इस विषय के उत्ते प्रेस वार्ता भी की, उन्होंने इस विषय के उत्ते इंटरव्यू भी दित्तियां भी एक भी केस असी कहिंदे पूरी पैरवाई की शायद संदीप गुप्ता ही कोई भी एक भी केस संतां दे उत्ते देश की किसी भी अदालत विच नहीं। ते भलिओ मानसो जे एक भी केस कदे दर्ज होया ही नहीं संतां दे उत्ते, एक भी कदे उन्हां दा दोष साबित ही नहीं हो सकिया, फिर उन्हां नूं अतवादी कहना, उन्हां नूं बखवादी कहना, ये फिर आपां कादे करदे हां जी। फिर ये जिहड़े संविधान नूं देश दे नूं मन्नण वाले साडे लोक आ, कि उह लोक फिर इस गल तों मुनकर नहीं हैगे भी कानून तां मंनदा नहीं भी संत दोषी आ, कानून ते मनदा नहीं भी संतां दे उत्ते कोई केस आ, कानून ते मनदा नहीं भी संतां दे उत्ते कोई परचा जिहड़ा उह साबित दोष हो सकिया होवे। ते असीं घर बैठे ही असीं रिजल्ट कढ दिंदे हुंदे आ भी संत अतवादी है जी। ते एक बेनती मैं होर करदा, देखो सारा इतिहास सारे ग्रंथ सारे अवतार पीर पैगंबर साधु संत महात्मा सब सत्कार जो हो गया, अपा आए साल दशहरा मनाई दा, आए साल रावण नू अग ला के फूकी दा, क्यों जी उन्होंने माता सीता दा अपहरण किया, यही है ना कथा। जद असी साल बाद ओनू जींदा करके फिर ओदा दहन करदे हैं, हजारां सालां दा सानू ओ नहीं भुलिया। ते आपां 36 साल पहला वरत्या 1984 ओ भुल जांगे, जिहदा जिहदी मां मरी होगी शहीद होई होगी इस वी घल्लूघारे दे विच, जिहदा भरा शहीद होया होऊ, जिहदा 8 महीने दा छोटा बच्चा बीबी दा शहीद होया, जिहड़ी संगत हरिमंदर साहब दे दर्शन करन गई उत्थे बेकसूर जिन्हां दा कसूर कोई नहीं उन्हां नूं उस शहीद कर दिता, ओह परिवारां नूं जिहड़ा दुख है दुख सानूं तुहानूं महसूस हो सकदा। इत्थे मैं एक गल कहिंदा फिर मैं समाप्ति करूंगा कि जदों किसे दे घर कोई अफसोस हुंदा ना, किसे दे घर कोई चलिया जांदा पूरा हो जांदा मर जांदा है, मान लो किसी की माता चढ़ाई कर गई, आपां उहदे घर अफसोस करन जाने आ, असीं जाके की कहने आ बहुत दुख होया जी, माता जी बड़े चंगे सी, माता जी बहुत मिलनसार सी, माता जी की बोलबाणी बहुत मिठी सी, बहुत दुख है सानू माता जी तुहाडे मां तुहाडी माता दुनिया तो चलाना कर गए, इदां ही है ना। पर जिहड़ा दुख उस इंसान नूं आ जिहदी मां गई है, ਉਹ ਦੁੱਖ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਉਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਰਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਆਖੇ ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸੰਤ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ
फिर बाकी गुरधामा दे उत्ते इको दिन च इन्ने अटैक किदां हो गए। सो मेरी बेनती है इन्नी की, बाकी मैं सतारा मतियां दी गल भी करूंगा जां अज शाम नूं जां कल नूं, जो लिखत जनरल बराड़ दी लिखी हुई है जेन अटैक कीता सी। बेनती ये वे कि जिन्ना चिर किसी का दोष ना साबित होवे, एक कानून है जिहड़े देश च भारत च आपां रहिंदे आ, जिन्ना चिर किसी का दोष साबित ना होवे उहनूं दोषी नहीं मन्निया जांदा, अदालत भी उहनूं दोषी नहीं मंनदी। ते जिस रब्बी रूह दे उत्ते केस ही कोई नहीं बनिया, जिस दा केस कोई अदालतां विच ही दाखल नहीं होया, उन्हां नूं अतवादी ते बखवादी कहना फिर साडी नीवी पद्धर दी शब्दावली ते नीवी पद्धर दी सोच आ ना, ये गल दा हमेशा ख्याल रखो। ते जिथों तक रही पोस्टरां दी गल, वह भी मैं बेनती करती आ बई आपां तां हजे तक रावण नहीं भुले, तो ना वह भुलना ही है क्योंकि उन्हें भी किसी धर्म नूं ठेस पहुंचाई है, ते सानू 84 किवें भुल जे। सरकारां ने पिछे जे फैसला भी दिता 84 दे दिल्ली दे उत्ते। सो इस करके बिना जिहड़ी भाईचारक सांझ अपनी है चंगे लोकां दी, उन्नू बिगाड़न लई शरारती अंसर हुंदे है, वह मैं नहीं कहिंदा किसे एक थां हुंदे आ, वह सारिआं च ही हुंदे, सारिआं च ही हुंदे। धर्म सारे चंगे हुंदे है पर धर्मां दे विच चंगे ते माड़े बंदे इंसान हुंदे आ, इह गल चेते रखियो जिंदगी च। धर्म कोई माड़ा नहीं हुंदा, धर्मां दे विच माड़ी सोच वाले बंदे हुंदे आ, चंगी सोच वाले बंदे हुंदे आ, ते खराबा उही करदे आ जिन्हां दी सोच माड़ी हुंदी है भड़काउंदे ने, जिन्हां दी सोच माड़ी है वह आपसी फुट पाउंदे ने, जिन्हां दी सोच माड़ी आ वह एक दूजे नालों तोड़ के रखना चाहुंदे, ठीक है जी। सो इस करके धक्के नाल महापुरशां प्रति जिन्हां दी भावना, धक्के नाल कोई उहनां दे पोस्टर ते उहनां दीआं फोटोआं नहीं ला सकदा क्योंकि धक्के नाल गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह ने जनेऊ नहीं सी लैण दित्ते, धक्का हुंदा सी करके गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली जाके अपना सीस दिंदे है। इन्हां गल्लां नूं चेते रखो ते बिना काम तो एवी भड़का, बिना काम तो एवी जिहड़ी गल दा पता ना होवे उहदे ते कदे कोई विचार नहीं देना चाहीदा जिन्ना चिर सानू पता ना होवे, जिहड़ी गल सानू कन्फर्म ना होवे उस गल दे उत्ते कदे बोलो ना। हुण मैनू कईआं दे मैसेज आए कल परसों दे कि वीर जी तुसीं उह जिहड़ा मुद्दा होया सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज वास्ते भद्दी शब्दावली बोली सी भी उहदे ते कुछ बोलो। मैं क्या हजे जिन्ना चिर मैनूं उहदे बारे पूरा पता ही नहीं आपां क्यों बोलीए भी कौन है किवें है की करदा उह, है ना, तो खबरां दे विच आपां देख ही लिया सारिआं ने सारा कुछ, जिहड़ा बाबा दीप सिंह जी नूं मंदी शब्दावली बोलदा सी, शहीद भाई मनी सिंह जी नूं बोलदा सी, संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी नूं बोलदा सी, उह भी आपां देख ही लिया कल। सो इस करके जिन्ना चिर ये फिर मैं कह देवां देश दा कानून भी आ, जिन्ना चिर किसी दा दोष साबित नहीं हुंदा उहनूं दोषी नहीं मन्निया जा सकदा, ते जिन्हां दे खिलाफ परचा ही कोई दर्ज नहीं, जिन्हां दे खिलाफ देश दी किसी अदालत विच कोई केस ही है नहीं, उन्हां नूं अतवादी कहना यह साडी नीवी पद्धर दी सोच आ, यह केवल ते केवल एक लोकां नूं भड़काउण दी जो मैं कहिंदा भी एक रीत आ जिहड़ी चली आई है, ते महाराज मेहर करन आउण वाले समें च सानूं सारिआं नूं बाणी बाणे दा प्रेम बख्शण, चढ़दी कला दा जीवन बख्शण। इन्नियां बेनतियां आप जी ने प्रवान कर लैणियां होईआं, बेअंत भुल्लां चुक्कां दी खिमा, फतेह बुलाईए जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, जो गल्लां भाई मनजिंदर सिंह हर रायपुर वालिआं ने कहीआं ओह गल्लां सारी दुनिया जाणदी है, फिर भी असीं इह वीडियो तुहाडे नाल सांझी करनी जरूरी समझी क्योंकि हर किसी का अपनियां गल्लां रखण दा कहण दा समझाण दा अपना एक अंदाज हुंदा है, ते उस दे बोलां दे विच किन्नी की सच्चाई है ये उस दे चेहरे दे हाव भाव दसदे ने, जिस तों सानू एहसास हुंदा है कि कौम अज भी किन्ना दर्द रख के बैठी हुई है 1984 दे दित्ते गए जख्मां दा, ते कौम अज भी चाहती है कि सिख कौम मुड़ तों
अपने पैरां ते खड़ी होवे, खालसा राज दे झंडे मुड़ बुलंद होण, ते जागदियां ज़मीरां वाले सच्चे सिंह हमेशा उस वास्ते तत्पर रहिंदे ने, ते जिहड़े मसंद सिखी चोलियां दे विच इस कौम च घुसपैठ कीते होए ने, उह अजिहे शहीदी दिहाड़ियां ते भी अपनियां कोठियां अपने दफ्तरां कमरियां च बंद रहिंदे ने। सड़कां उत्ते उतर गरजदे ने उही सिंह सूरमे जिहड़े 84 वर्गे जख्मां तों तंग रहिंदे, तां ही हिक्का ठोक ठोक ओह ललकारदे इन्हां मसंदां नूं, देखो किदां कुछ सिखी भेख वाले सिख कौम च ने अज वी गंद रहिंदे। छेती हो सफाया इस गंद दा सिंगो, फिर वेखणा झंडे खालसा दे किदां बुलंद रहिंदे, झंडे खालसा दे किदां बुलंद रहिंदे। विचार चंगे लगे हुण वीडियो लाइक ते शेयर जरूर करना, बाकी अपनियां भावनावां नीचे कमेंट्स दे विच तुसीं व्यक्त कर सकते हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख धर्म दी हर गतिविधि अते गुरबाणी वास्ते हुणे सबसक्राइब करो गुरबाणी अखंड बाणी, अते नोटिफिकेशन वास्ते बैल नूं रिंग करो।